कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए कृषि विशेषज्ञों के साथ बैठक कर नीति बनाई जाएगी। चंद्र कुमार सोमवार को नगरोटा सूर्या लोक निर्माण विश्राम गृह में लोगों को संबोधित कर रहे थे। चंद्र कुमार ने कहा कि युवा पीढ़ी पारंपरिक खेती करने से पीछे हटती जा रही है, जबकि प्राकृतिक खेती को ऑर्गेनिक खेती से जोड़कर किसान अपनी आर्थिक को सुधार सकता है। वहीं युवाओं को सरकारी नौकरियों की तरफ भागने की बजाय ऑर्गेनिक खेती में स्वरोजगार से अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को खेती की तरफ रुचि पैदा करने के लिए नीति बनाई जाएगी। अच्छी पैदावार के लिए उन्नत बीजों की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग को आदेश दिए गए हैं कि वह किसानों को घर द्वार उत्तम बीज उपलब्ध करवाएं। किसानों को तिलहन व दलहन की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के विशेषज्ञ किसानों की जमीन का मुआयना कर प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि पशुधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रत्येक पशुपालक परिवार से रोजाना 10 लीटर दूध खरीदेगी, जिसमें गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर व भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर खरीदा जाएगा, ताकि प्रदेश में पशुपालकों की आय बढ़ाने के साथ डेयरी फार्मिंग को भी बढ़ावा मिलेगा और पशुपालक अच्छी नस्ल के पशु पालेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेसहारा पशुओं को सहारा देने के लिए मंदिरों के साथ जोड़कर कारगर नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंदिरों के नाम काफी खुली जमीन है और बेसहारा पशुओं को उस जमीन में आशियाने बनाकर सहारा प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है। हर एक परिवार से जिन्होंने गाय भैंस रखी है, हर दिन 10 लीटर दूध लेंगे और गाय का दूध जो है वो 80 रुपये किलो खरीदेंगे और भैंस का दूध 100 रुपया किलो खरीदेंगे। और जो जो हमारे लोग डेयरी फार्मिंग माना चाहते हैं, जो जो भी हमारे गांवों के लोग इस कार्यक्रम माना चाहते हैं, उनके लिए हम गौ शेड जो है वो अच्छे आधुनिक बनाएंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को प्रेरित करेंगे। ये जो खेती का ढांचा है इसको भी हम बदलने जा रहे हैं। खेती से हमारा मतलब ये नहीं है कि गर्मी की फसल लगा दी और सर्दियों की फसल लगा दी। हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास खेत हैं तो हम कॉस्टली ऐसी कैश क्रॉप पैदा कर सकें जिससे कि हमें ज़्यादा मार्केट में पैसा मिल सके। आपको पता है कि बहुत से ग्रामीण जो हमारे लोग हैं जो खेती बाड़ी के साथ जुड़े हैं, उन्होंने अच्छा प्रयास किया है। भाई और बहनों, अभी अभी हमारी जो सरकार बनी है, अभी उसके 30-40 दिन भी हुए हैं और मैं जब पहली मरतबा आया था तो मैं हिमाचल प्रदेश का सबसे वरिष्ठ सदस्य था विधानसभा का और उस वक्त मुझे प्रोटेम स्पीकर बनाया गया और उस वक्त ही मैं आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए आया। हमारे विरोधी पक्ष के लोग कहते थे कि अब जो है वो चंद्र कुमार जो है वो डेस्क बजाएगा। वही चंद्र कुमार है जिसका कोई रूप नहीं बदला है, लेकिन अब एक और मुझे जिम्मेवारी दी है। अब मैं विधानसभा का प्रोटम स्पीकर नहीं हूँ। अब कुछ लोग ट्रेडिशनल खेती में आ गए हैं, कुछ लोग अरेंज फेड खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर तो हम वहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। तो हमें कुछ एरियाज जो हैं वो देखने पड़ेंगे कि जहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिक खेती हम करें, ऑर्गेनिक जो है वो आलू पैदा करें, ऑर्गेनिक मटर पैदा करें, ऑर्गेनिक गोभी पैदा करें, ऑर्गेनिक जो है वो फ्रूट पैदा करें। मैंने अभी मैं बैठा था तो मेरे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जी हम सेब लाए हैं, कहते हैं इस सेब में कोई जो है दवाइयों का छिड़काव नहीं है, पौधे में दवाइयों का छिड़काव नहीं है और इसको जो हमने मैन्योरिंग दिया वो सारी की सारी
देसी खाद है, इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं लगाई है और इसका रेट मार्केट में सबसे ज़्यादा है और दूसरे सेबों का जो है वो रेट सबसे कम है। तो हमें इससे लोगों को प्रेरित करना चाहिए, जैसे जहाँ हमारे माल्टा तैयार होता है, संतरा तैयार होता है, जो सीट्रस प्लांट हमारे जहाँ तैयार होते हैं, तो उसके एरियाज को भी हम कुछ आइडेंटिफाई करेंगे और ख़ास करके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, कौन आदमी है यहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, जिम्मेवारी मुझे दी है एक ऐसे विभाग की जो आपके साथ भी जुड़ा हुआ है। खेती बाड़ी हमारी बड़ी मुस्तैदी हमारा व्यवसाय है। किसान किसान के डेफिनेशन में हर एक वर्ग आता है। किसान का मतलब किसानी करने वाला, खेत जोतने वाला, चाहे वो मालिक हो चाहे वो खेत जोतने वाला, हर वर्ग के आदमी को रिटायरमेंट के बाद फिर अपने खेत की तरफ जाना पड़ता है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नगरोटा सूर्या से प्रेम स्वरूप शर्मा की रिपोर्ट।